पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, सबसे पहले मेरी वीडियो आपको मिला करेगी। चलें दोस्तों शुरू करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो हम आपने सबसे पहले जब इसको ऑन करना है, इस काइन मास्टर को, आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा दोस्तों। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो जो मैं PNG यूज करूंगा, सब्सक्राइब बटन यूज करूंगा, सब कुछ आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इस प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे और एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने इसको एम्प्टी प्रोजेक्ट को क्लिक किया तो दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आ रहा है। तो हम इसको एक लेयर ऐड करेंगे, यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा ब्राउजर लेयर वॉइस ऑडियो। तो हम ब्राउजर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड लेंगे, बैकग्राउंड आप खुद वहां से भी चूज कर सकते हैं, और कोई लगाना हो तो यहाँ से आप कोई भी पिक्चर यहाँ से ऐड कर सकते हैं जो आपके वहां पर पड़ी हो। नहीं तो मैं एक बैकग्राउंड कलर यूज कर लेता हूँ, तो मैं ये वाला कलर चूज कर लूंगा। तो इसको यस कर दूंगा, तो ये देखिए एक मेरे पास कलर ऐड हो गया। तो उसके बाद हमें एक चाहिए होगी PNG दोस्तों, एक मोबाइल की PNG चाहिए होगी। तो हम लेयर पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने मीडिया पे क्लिक किया दोस्तों, हम अपने मोबाइल में आ गए मोबाइल के। तो यहाँ से मैं अपने मेरे पास फोल्डर बना हुआ है, तो ये PNG आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा और यहाँ तक इसको ले आऊँगा। तो दोस्तों ये यहाँ तक आ गया। तो अब हमें एक ज़रूरत है वीडियो की, तो हमें एक एक वीडियो की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक PNG लग गई, तो हमें वीडियो की ज़रूरत है। हम लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से एक वीडियो ले लेंगे। जैसे मैंने एक ये वीडियो ले ली, तो दोस्तों हमें ये वीडियो मिल गई है, तो हमने इसको इसके बराबर में करना है। तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे कि इसके बिल्कुल मोबाइल के बराबर ये हो जाए। देखिए दोस्तों ये बराबर होगी ये मोबाइल के। तो हम इस पर क्लिक करके देखेंगे, तो दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है बिल्कुल यहाँ पे आपको ठीक लग रही होगी। तो हम इसको ऊपर पे क्लिक करेंगे। तो अब हमने करना क्या है, इसके जितनी भी ये वीडियो है उस उतनी ये इसका बैकग्राउंड कर देना। ये देखिए मैं इसका उतना ही बैकग्राउंड कर रहा हूँ। तो ये जितनी जितनी ये वीडियो आती जाएगी तो मैं उतनी ये यहाँ तक, ये देखें यहाँ तक है। और हमें जो नीचे है था, ये देखिए PNG जो नीचे थी, हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसको भी उतना ही कर देंगे जितना ये जितनी ये वीडियो है। तो दोस्तों आपने टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आसान सा काम है ये एडिटिंग का। और लोग बहुत परेशान होते हैं कि हमें ये एडिटिंग नहीं आती, तो दोस्तों परेशान होने की बात नहीं है। मैं आपको फुल बताऊंगा कि आपने इससे एडिटिंग किस तरह करनी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एडिटिंग, ये देखिए हमने यहाँ बैकग्राउंड थोड़ा ज़्यादा है, तो हमने इसको बिल्कुल इसके लेवल पे करना है। तो ये देख सकते हैं ये अब थोड़ा सा छोटा हो गया, तो अब हम क्या करेंगे इसके बिल्कुल लेवल पे लाना चाह रहे हैं। तो ये देखें ये लेवल पे आ गया। तो अगर ये देखें ये थोड़ा सा बाइंड निकल रहा, तो हमने करना क्या है, इस पर क्लिक करना है और इसको ट्रिम टू राइट पे करेंगे। तो ये देखें ट्रिम हो गया, तो ये बिल्कुल लेवल पे आ चुके हैं। जैसे ये लेवल पे आ गए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वीडियो एक तैयार हो चुकी है, एक इसके PNG पे लग चुकी है। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये देखें गाइस ये चल चुकी है, ये चल गई। उसके बाद हमने यहाँ पे एक लाइक का बटन यहाँ पे लगाना है। तो हम करते हैं यहाँ, जब वीडियो यहाँ तक पहुँचे तो एक लाइक का बटन यहाँ पे पॉपअप शो हो। तो हम लेयर पे जाएंगे, यहाँ पे मैं फिर से अपने मोबाइल पे यहाँ पे लाइक की मैं PNG उठा लूँगा और इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइक का बटन आ गया। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ पे इस तरह ये देखिए हो गया। तो इतनी वीडियो है, तो यहाँ से ऐसे लाइक का बटन। तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल लग रहा है। तो लाइक के बटन में हम एक एनिमेशन डाल देते हैं। ये देखिए इन एनिमेशन ओवर ओवरऑल एनिमेशन आउट इन एनिमेशन क्रॉप अल्फा और कलर फिल्टर। तो दोस्तों यहाँ बड़े बड़े मैं सबका बताता हूँ, आप इन एनिमेशन करेंगे तो जब आप इन होंगे तो आपके ये वाला एनिमेशन इन होगी। ये देखिए आपको दिखाता हूँ, तो फेड इस तरह ये इन होगी। तो पॉपअप करेंगे तो ये इस तरह पॉपअप हो जाएगा। ये सिर्फ इन के लिए है, तो आउट के लिए आप मतलब जब ये जाएगा तो आउट करेगा। तो ओवरऑल एनिमेशन का मतलब है कि जब तक ये चलता रहेगा तब तक ये एनिमेशन चलती रहेगी। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरह ये चल रहा है। हम जिटर पे क्लिक कर देते हैं तो फाउंटेन पे देखते हैं। ये देखें गाइस कितने ज़्यादा ये
लाइक यहाँ पे आ रहे हैं, तो रिंग करेंगे तो ये रिंग करना शुरू हो जाएगा, फ्लोटिंग करेंगे तो ये फ्लोटिंग करना, ड्रिफ्टिंग आपको यहाँ बहुत ज़्यादा 200 मिलेंगे, तो रेन पे क्लिक करना चाहते हैं तो ये देखिए 200, जैसे लग रहा है कि आपके मोबाइल पे ये रेन शुरू हो गई है। तो मुझे जो अच्छा लगा है ये फ्लोटिंग आप कर सकते हैं, रिंग कर सकते हैं, फाउंटेन कर सकते हैं, जिटर कर सकते हैं, और इसके अलावा पल्स कर सकते हैं, फ्लिकर भी है, और ये देखिए फ्लिकर, तो मैं यहाँ पे फ्लिकर कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे जैसे ये वीडियो है तो ये देखिए फ्लिकर करना शुरू कर दी है। हम मैं कहता हूँ ये लाइक के बटन के बाद यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन भी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पेंट लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे, और यहाँ से ये सब्सक्राइब का बटन उठा लिया, और इसको हम छोटा करेंगे, छोटा करने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे इसको मैं लगा दूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगा दिया, और इसको भी ओवरऑल एनिमेशन देता हूँ ब्लिंक की, ये सिर्फ ब्लिंक करता रहे, या फ्लिकर की कर देता हूँ, या पल्स की भी कर सकता हूँ, या जिटर, तो जिटर नहीं अच्छा लगेगा, ये सब्सक्राइब का बटन इस तरह भी कर सकते हैं, और रिंग भी लगा सकते हैं, रिंग अच्छा नहीं लगेगा, फ्लोटिंग कर लेते हैं, तो फ्लोटिंग ठीक है। तो दोस्तों ये फ्लोटिंग का इतने हिस्से में ये सब्सक्राइब का बटन आपको शो हो, तो ये देख सकते हैं, और ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसके नीचे एक ऑडियो इफेक्ट लगाएंगे, ऑडियो पे जाएं, आप अपने मोबाइल में एक जो आपने नॉन कॉपीराइट म्यूजिक होगा वो लगा दें, प्लस पे क्लिक करेंगे ये खुद ब खुद नीचे ऐड हो जाएगा। देखिए गाइस ये ऑडियो ऐड हो चुकी है, आपने ऑडियो इतनी रखनी है जितनी आपकी वीडियो है, ये देखिए से थोड़ा सा ये कम हो गया, तो कोई बात नहीं, हमें इसको ऐड और नहीं करना, बस इतना ही बहुत है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे जैसे वीडियो चलाऊंगा तो ज़्यादातर ये देखिए बहुत ज़्यादा ये ऑडियो की आवाज़ आ रही है, तो आपने ये साउंड पे क्लिक करना है, साउंड पे क्लिक करने के बाद आपने इसको 20 या 10 पे रख देना, ये 20 हम इसको ये 50 रख देते हैं या 60 रख देते हैं, हम देखें वो कम आ रही है और म्यूजिक कम आ रहा है, आप और इसको कम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसके म्यूजिक को और 10% कर दूंगा, तो ये देख सकते हैं मैंने इस म्यूजिक को 10 यहाँ पे 10% तक, ये देखिए यहाँ पे आप 10% तक 12% तक रख दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल रही है। तो ये देखिए कि वीडियो बिल्कुल पूरी तैयार हो चुकी है, तो आप लेयर में आपको इफेक्ट मिलते हैं, ओवरऑल मिलता है, टेक्स्ट मिलता है, हैंड राइटिंग मिलती है। दोस्तों जो मैंने बताना था वो मैंने बता दिया है, इफेक्ट आपको मिलेगा, इफेक्ट लगा सकते हैं, ओवरऑल जो मेन बेसिक चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है कि आपने एक काइन मास्टर पे एडिटिंग किस तरह करनी है, तो ये एक आपको बहुत ही अच्छा है, आप इसको आप इस काइन मास्टर में वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, लेकिन आपने सिंपल एडिटिंग करनी है तो ये बिल्कुल बेस्ट है। तो आपने जब इसको रेंडर करना है तो ये शेयर पे क्लिक करें, जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा सेव टू गैलरी, तो हम सेव टू गैलरी पे क्लिक करके हाई डेफिनेशन आपको यहाँ पे 27 MB में मिल रही है, तो हम 3 डॉट पर 200 क्लिक करते हैं तो चेंज बिट रेट, तो अगर ये देखिए 1280 ये 720 है, जैसे आप इसकी इसको कम करेंगे तो ये 18 MB भी आ जाएगी, तो 18 MB भी करना चाहते हैं तो 18 MB भी कर सकते हैं, जो इसका यहाँ पे इसको इस तरह करके और इसको हाई डेफिनेशन में क्लिक कर दूंगा, तो दोस्तों ये देखें ये रेंडर होना शुरू हो गई है, तो जैसे ये रेंडर होती है तो आपको मैं बताता हूँ कि ये हम इसको ओपन कर लेंगे, ये देखिए कह रहा 8 मिनट लेगा, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।